हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। आज हम लोग 12th क्लास का मैथ का सिलेबस देखने वाले हैं। 12th क्लास का मैथ, 12th मैथ सिलेबस। यहां पे जो आप लोगों को एनसीईआरटी और एनसीईआरटी 100% सोल्यूशन करवाया जाएगा और केसी सिन्हा, एनसीईआरटी केसी सिन्हा का सोल्यूशन करने के साथ साथ हम लोग जो टारगेट है 100 में 100 नंबर लाने का, 100 में 100 मार्क्स मैथ, 100 out of 100 मैथ में लाया जा सकता है 12th क्लास में। मेरा स्टूडेंट 12th क्लास में 100 में 100 10th क्लास में लाया हुआ है और 12th क्लास में जो है 96 नंबर लाया हुआ है इसी साल 2024 एग्जाम में। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहे, 12th क्लास का हम लोग सिलेबस चेक करने वाले हैं क्या किस प्रकार से हम लोग आप लोगों को सिलेबस से पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा के साथ में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का एनसीईआरटी सॉल्यूशन और केसी सिन्हा का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो देखिए आप लोगों का जो सिलेबस होगा, तो सिलेबस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। फर्स्ट टॉपिक आपका 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन। पढ़ाने से पहले ये चीज हम बता देते हैं कि क्या आपको लोगों को पढ़ाना है। तो जैसे मान लेते हैं 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 100 मार्क्स का आता है, लेकिन 100 मार्क्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी 100 में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 क्वेश्चन क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, इसमें से 50 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव, 50 नंबर का हमको ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाना पड़ता है, यानी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव मार्क्स आएगा, 50 मार्क्स आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 11 गो मैं 22 गो रहेगा, 2 मार्क्स का कितना रहेगा 22 क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, 5 मार्क्स का जो है आपको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन बनाना पड़ता है 12th क्लास में बिहार बोर्ड में, तो 20 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 2 मार्क्स का रहेगा जिसमें 11 गो क्वेश्चन सोल्यूशन करना पड़ेगा और 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे ये केसी सिन्हा बुक है, दो को बुक चलता है केसी, मतलब 12th क्लास में एक टेक्स्ट बुक है यानी केसी सिन्हा का वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2 है, तो हम लोग इसका ही सोल्यूशन करवाएंगे और इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी जो टॉपिक मान लेते कंप्लीट सिलेबस होगा, मान लेते मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ा है, तो मैट्रिक्स का सारा पहले केसी सिन्हा का या एनसीईआरटी का, दोनों में से किसी का जो मेन मेन को टॉपिक होगा क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन करवाएंगे और केसी सिन्हा 100% एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवाएंगे। जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करने दी करेंगे और एनसीईआरटी का बैच अलग रहेगा, केसी सिन्हा का बैच अलग रहेगा, जो ज्वाइन होना चाहते हैं हो सकते हैं। अभी जो 10 AM से लेकर 11 AM में 12th क्लास का बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन होना चाहते तो नियर माधव सिंह कॉलेज रोड सरायकेला घाट रोड में माधव सिंह फिर ये प्लस टू स्कूल के पास में आप लोग आ सकते हैं जीवी सुमित एकेडमी में। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा 9113176604। कम्पिटेटिव SSC रेलवे बैंक यानी कम्पिटेटिव RS अग्रवाल बुक का भी सोल्यूशन चल रहा है और 12th क्लास का मैथ आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम लोग 12th क्लास का सिलेबस देखने वाले हैं। 12th क्लास का क्या देखेंगे सिलेबस, तो किस प्रकार से हम लोग ये एनसीईआरटी मतलब केसी सिन्हा बुक और ये जो है वॉल्यूम 2, तो ये दोनों का हम लोग सोल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोग पहले आप लोगों को सिलेबस बता देते हैं, इसका मान लेते हैं मैट्रिक्स डिमांड खत्म किया उसका ऑब्जेक्टिव थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसका क्वेश्चन करवाएंगे सारे का, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी करवा देंगे ताकि ऑब्जेक्टिव का झंझट दूर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, जो टेस्ट में विजेता होगा उसको प्राइज भी से नवाजित किया जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट टॉपिक क्या है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड में मैट्रिसेज, फोर्थ में डिटरमिनेंट, फिफ्थ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिफ्थ सिक्स्थ में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर सेवंथ में है इंटीग्रल्स, एट में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड नाइन्थ में डिफरेंशियल इक्वेशन, टेंथ में है वेक्टर अलजेब्रा, 11th में इंट्रोडक्शन ऑफ 3D डायमेंशनल, फिर 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग एंड 13th नंबर में प्रोबेबिलिटी। तो आप लोगों का नया दुनिया होगा,
तो यहाँ पे 11th क्लास का भी बैच स्टार्ट होगा, तो 11th क्लास में भी जो स्टूडेंट होगा वो आ सकते हैं। तो ये 12th क्लास का हम लोग ये सिलेबस हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों का केसीसी नारायण सेठी का बुक का सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और 12th क्लास वाले स्टूडेंट के पास एक दो एजुकेशनल गुरु में आवाज ही शेयर कर दे। यहाँ कमजोर से कमजोर स्टूडेंट लोग मैथ पढ़ते हैं और वो बोलते हैं सर तीन दिन पढ़े आपका मैथ मतलब समझ जाने का तरीका ही थोड़ा अजब है। तो आप हमको बिल्कुल ही आसान तरीका से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं इस नंबर पे, अगर आप लोग लोकल सराय में रहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ 12th क्लास का क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा और 11th क्लास का बैच स्टार्ट हुआ है तो नया सेशन में, तो आप लोग आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक दो एजुकेशनल ग्रुप में आवासीय शेयर कर दें। धन्यवाद।